एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से ऑडियो यूनिट को ऑन करते ही एलईडी 2 जब ऑन हो जाए और थोड़ी देर वेट करने पर एलईडी 1 जो है वो ऑन ना हो, तो ऐसे पीसीबी में जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही छोटी हो सकती है। तो ऐसी सूरत में हमें मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए हम मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेजेस पे ले जाएंगे और एसएमपीएस के सेक्शन में इस कैपेसिटर पे, तो इसके नेगेटिव पॉइंट पे हम नेगेटिव प्रोब लगा लेंगे और पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि वोल्टेजेस जो है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आप इसको डायरेक्ट समझ जाएं यहां पर मसला इसी कैपेसिटर में है, क्योंकि ये वाले वोल्टेज जो हैं वो जा रहे होते हैं इसके स्विचिंग आईसी की पिन नंबर 6 पे। तो ग्राउंड हम यहीं से ले लेंगे जो इसकी पिन नंबर 6 है, वहां पर हम चेक करेंगे। तो यही देखें वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली जब मैंने पीसीबी को उल्टा किया है तो ये कैपेसिटर यहां पर फुला हुआ है। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले हम काम इसी कैपेसिटर पे करेंगे। फुला हुआ कैपेसिटर है, इसका नंबर है E4। इससे पहले जिस कैपेसिटर पे हमने वोल्टेज चेक किए थे तो उसका नंबर है E3। सबसे पहले E4 कैपेसिटर को हम आउट करेंगे, तो ये 470 माइक्रोफेरेड 35 वोल्ट का कैपेसिटर है। और इसी तरह से अगर हम देखते हैं यहाँ पर बूटस्ट्रैपिंग कैपेसिटर्स को, तो ये भी ऊपर से फूल चुके हैं। ये दो कैपेसिटर्स हैं, तो मुख्तलिफ वोल्टेजेस के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। तो ये वाला कैपेसिटर जो है वो 5 वोल्ट के लिए इस्तेमाल होता है और इसी तरह से ये वाला जो कैपेसिटर है वो 15 वोल्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों भी यहाँ पे फूल चुके हैं। ये नया कैपेसिटर इसमें इंस्टॉल करेंगे। अब इस पावर पीसीबी को हम इलेक्ट्रिक देंगे, लेकिन यहाँ पर ये कनेक्टर जो है वो दोनों हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। ये 5 और 15 वोल्ट हैं जो कि आईपीएम पीसीबी में जा रहे हैं, तो हमने इनको डिस्कनेक्ट कर दिया हुआ ऑलरेडी। अब इस इलेक्ट्रिक को मैं ऑन कर देता हूँ। एलईडी 2 जो है वो ऑन हो चुकी है, लेकिन एलईडी 1 जो है वो ऑन नहीं हुई है। बूस्ट स्ट्रैपिंग कैपेसिटर है, ये 4750 वोल्ट के हैं, 100 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट ये दोनों कैपेसिटर। बूट स्ट्रैपिंग के जो कैपेसिटर्स हैं इनको चेंज करना चैलेंज है, क्योंकि ये देखें यहाँ पर ये लगे हुए हैं, तो बैक साइड पे जो है वो यहाँ पे आईपीएम है, तो यहाँ पे हम डिसोल्डर इसको नहीं कर सकते, तो ऊपर से ही काट दूंगा मैं। तो जितना कोशिश करते हैं कि लंबा काट सकें पिन को उतना ही अच्छा होगा, जबकि ये दोनों कैपेसिटर जो हैं वो हम चेंज कर सकते हैं, डिसोल्डर कर सकते हैं नीचे से। E3 कैपेसिटर को भी हम आउट करेंगे यहाँ से।
कैपेसिटर बाहर आ गया। ये नया कैपेसिटर इसमें इंस्टॉल करेंगे, इसके लिए भी पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। दोबारा से इलेक्ट्रिक को ऑन कर देंगे, एलईडी 2 जो है वो ऑन हो चुकी है और एलईडी 1 भी जो है वो ऑन हो गई है और इसने स्विचिंग भी कर ली है। एलईडी 1 जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर दिया उसने। अगर ये 12 टाइम जो है वो ब्लिंक कर रही है तो फिर ये बिल्कुल सिस्टम ठीक है। 11, 12 टाइम बिल्कुल ओके है जी। जिसका मतलब ये है कि इसके साथ जो आउटडोर टेम्परेचर सेंसर है वो नहीं लगा हुआ, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। इसकी कम्युनिकेशन जो है वो इस IPM PCB के साथ ओके हो रही है। अब इसमें हम बूट स्टेपिंग के जो वोल्टेजेस हैं उनको चेक कर लेंगे। तो यहाँ से हमने नेगेटिव ले लिया और यहाँ से हम पॉजिटिव चेक कर लेंगे, तो ये 314 वोल्ट दिखा रहा है। इस तरह से हम सेंटर पॉइंट पे जाएंगे यानी कि यू पे, तो 14.53 दिखा रहा है। इस तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट पे वी पे, तो यहाँ पे भी 14.51 दिखा रहा है और फिर लास्ट में 14.56 वोल्ट दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो IPM के वोल्टेज हैं वो बिल्कुल ओके हो चुके हैं और ये PCB बिल्कुल रेडी है कस्टमर को डिलीवर करने के लिए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।